महाभारत के मौके से अगर मौका भी वो होगा, जब उत्तरा कुमारी की शादी अभिमन्यु के साथ में तय करने की जब बात चलती है, तब पांचों पांडवों ने छोटी थोड़ी सी गुंजाइश रखी और कहने लगे कि भाई पहले पांचाली से पूछना होगा, अगर पांचाली ने हां कर दी तो ये रिश्ता पक्का हो सकता है, अगर पांचाली ने मना कर दी तो रिश्ता पक्का नहीं हो सकता। सजना वो अर्जुन उस रिश्ते की बात को लेकर के पांचाली के पास जाता है और पांचाली को जब सारी बातें बताता है तो सजना वह द्रौपदी रोने लगी और कहने लगी कि समय समय के खेल हैं और समय समय की बात, और कभी समय के दिन बड़े तो कभी समय की बात, रहन खातर घर नहीं, खान खातर दाना नहीं। और इन्हें ब्याह शादी की बात सोचती है, महाराज हम कंगाल, कंगाली में कौन किसका ब्याह, कौन किसका साथी और कौन किसका हिमाती। सजनाओं ख्याल पैदा हो गया और किस तरह के विचार द्रौपदी के मन में आते हैं और कवि की कलम उठती है और यहाँ का वाला कवि महोदय ने किस तरह से लिख दिया, आइए सुनेंगे इस राजने के द्वारा। आइए सब रोगों में रोग बुरा एक कंगाली बतलाई, सब रोगों में रोग बुरा एक कंगाली बतलाई, पांडव सुन की बात सुनी रे, पांडव सुन की बात सुनी रोई द्रौपदी की जाई, सब रोगों में रोग बुरा एक कंगाली बतलाई, सब रोगों में रोग बुराए के कंगाली बतलाई। सजना बता दिया कि पांडुसुत की बात सुनी रोई द्रौपदी की जाई और सब रोगों में रोग बुराए के कंगाली बतलाई। सजनों हर लाइन में, हर लाइन में, हर कली में कंगाली शब्द आएगा और कंगाली के शब्द के पीछे कैसे कैसे राज खोले कवि ने कि कंगाली में क्या क्या होता है मानस के साथ। सजनों सुनने लायक बात और किस तरह से पहली कली में बता दिया, ये बता दिया। छोड़ के माता न्यारी हो जा, छोड़ के वो माता न्यारी हो जा, और कंगाली में कुलवंती नारी भी व्यवचारी हो जा, और कंगाली में ऊंच नीच का आज्ञाकारी हो जा, वो कंगाली में ऊंच नीच का आज्ञाकारी हो जा, रोग बुराए कंगाली बतलाई।
में बेटे के प्रति पिता का बड़ा मोह बताया गया है, लेकिन कंगाली एक ऐसी बुरी बीमारी है कि उस मोह को भी तोड़वा देती है। कि कंगाली में पिता पुत्र से दुराचारी हो गया और कंगाली में पुत्र छोड़ के माता न्यारी हो जाए। कौन माता चाहती है कि बेटे से मैं न्यारी रहूं? कोई नहीं चाहती, लेकिन कंगाली सब कुछ करवा देती है। कि कंगाली में कुलवंती नारी भी व्यभिचारी हो जा और कंगाली में ऊंच नीच का आज्ञाकारी हो जा। कंगाली में आंख बदल जा, खुद माँ का जाया भाई और सब रोगों में रोग बुरा है कि कंगाली बदला। दूसरी कली में कंगाली में और क्या क्या हो जा करे मानस के साथ? भाई अजीत सावरिया जी दिल्ली पुलिस जो शौर्य पद देकर के हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं, हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए क्या बता दी वाला छुड़वा दे रे वो कंगाली घर छुड़वा दे, दर दर पे डोलने लग जा। और कंगाली में ऊंच नीच का पंखा झोलने लग जा, कंगाली ऊंच नीच का पंखा झोलने लग जा। और कंगाली में नारे पति से, कंगाली में नारे पति से कड़वी बोलने लग जा। और कंगाली में कंगाली में चोर ठगी और गठड़ी खोलने लग जा, कंगाली में चोर ठगी और गठड़ी खोलने लग जा। और कंगाली में साहूकार नाट जा, कंगाली में साहूकार नाट जा। अरे कोन्या देख पाई ओ सब रोगों में रोग बुराए तो कंगाली में पराई, ओ सब रोगों में रोग बुराए तो सरपंच साहब जो काटी से खेड़ी से जो सरपंच साहब सूरत का मान और सम्मान और प्यार दे रहे हैं, बड़ा योगदान बड़ा आशीर्वाद रहा है इनका भी क्षेत्र में, सूरत से मान सम्मान दे रहे हैं। मैं बार बार धन्यवाद करूंगा सरपंच साहब का, बार बार धन्यवाद। सज्जनों कितनी अनमोले बातें हैं कि कंगाली घर छुड़वा दे, दर दर पर डोलन लग जा और कंगाली में चोर ठगी और गठड़ी खोलन लग जा। कंगाली में नार पति से कड़वी बोलन लग जा और कंगाली में ऊंच नीच का मानस पंखा झोलन लग जा। कौन चाहता कि किसी का पंखा झोलूं, लेकिन समय और कंगाली सब कुछ करवा देती है। कि कंगाली में साहूकार नट गया, अगर हमारे पास अगर देने को है तो काफी मिल जाएगा, अगर हमारे पास देने का बंदोबस्त नहीं है सज्जनों मानस को उधार भी ना मिलेगा। कि कंगाली में साहूकार नट गया, कौन या दुए को पाई और सब रोगों में रोग बुरा है कि कंगाली बतला। तीसरी कली में और कंगाली में मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, कंगाली में क्या क्या होता है सुनेंगे तीसरी कली में। कंगाली में फटिया पुराना वस्त्र भावन लगे
कंगाली में श्रेष्ठ मनुष्य भी, कंगाली में श्रेष्ठ मनुष्य भी झूठा खावने लग जा। और कंगाली में सजन बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा लिखने वाले कवि के लिए। और कंगाली में बहन भाई ने बुरा बतावन लग जा। कंगाली में बहन भाई ने बुरा बतावन लग जा। और कंगाली में रिश्तेदार नाट जा। कंगाली में रिश्तेदार नाट जा। अरे टूटे से सुनाई बैठे। युवा साथियों बता दिया कि कंगाली में मित्र मित्र से आंख चुरावने लग गया। अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे अनेक मित्र यार दोस्त बन जाएंगे, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे बने हुए दोस्त भी तुमसे निगाह चुरावन लगेंगे। तुम पूछेंगे कहां है होगा घर तो बताएगा खेत में, तुम पूछेंगे कहां है होगा खेत में तो बताएगा बाजार में। क्या कारण? सिर्फ कंगाली। सजना अगर तुम्हारे पास कुछ है दोस्त कह दिया कि कहां है बता कहां चाहिए, 10 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करके तुम्हारे दौरे आ लेगा। क्यों? कि तुमसे उसे लालच है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो 100 बहाने भर देगा कि कंगाली में मित्र मित्र से आंख चुरावन लग गया और कंगाली में फटिया पुराना भी वस्त्र बावन लग गया, कंगाली में श्रेष्ठ मनुष्य भी झूठा खावन लग गया। कौन चाहता किसी का झूठा खाना, लेकिन कंगाली सब कुछ करवा देती है। कंगाली में श्रेष्ठ मनुष्य भी झूठा खाने लग गया और कंगाली में बहन भाई ने बुरा बताने लग गया। कंगाली में रिश्तेदार नाट जा, टूटे से सुनाई देख लेगा कि 50 रुपए का केले लेके जाऊंगा 500 मिलेंगे, बाजा बाजा जाओगे। और देख लिया कि 50 रुपए का केले लेके जाऊंगा और 10 रुपए मिलेंगे, 100 बार सोचेगा जाऊं या ना जाऊं। सजन ये सब बनी बनी का मोल है, बिगड़ी का कोई मोल नहीं है दुनिया में। सजना ताना कश्ती हुई एक बात के द्वारा, वो द्रौपदी किस तरह से रोन लगी और के कहने लगी ये सुन बोल। उल्टा नहीं दिया जा इसी बने लाचारी, लेके उल्टा नहीं दिया जा इसी बने लाचारी। और कंगाली घर छुड़वा दे, अर्जुन को ताना दे रही है, कंगाली घर छुड़वा दे बड़े थारे जिसा भिखारी। गुरुमान सिंह टोटे ते बड़के, गुरुमान सिंह टोटे ते बड़के और नहीं बीमारी, गुरुमान सिंह टोटे ते बड़के और नहीं बीमारी। और सब रोगों की दवा मिले, सब रोगों की दवा मिले। सजना बताया सर्दी जुखाम खांसी मलेरिया बुखार सब रोगों की दवा डॉक्टर के पास मिल जाती है, लेकिन दवा नहीं है तो किसकी नहीं है। आखिरी कली में तोड़ कितना अनमोल कीमती कवि की कलम ने लिखा। और सब रोगों की
दवा मिले रे, ये सब रोगों की दवा मिले पर इसकी नहीं दवाई, ये सब रोगों ओ रोग बुराए तो कंगाली बतलाई, ये सब रोगों रोग बुराए तो कंगाली बतलाई। और पांडव सुखी बात सुनी रे, पांडव सुखी बात सुनी, रोई इंद्रपत की जाई।